चलिए सभी को गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाँ जी मिस्टी जी गुड आफ्टरनून सभी को राधे जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून क्या हाल चाल है आप लोगों का सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं हाँ जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून देखिए रीजनिंग में हमने क्या बोला डेली आपका एक से दो में रीजनिंग लगता है और इस रीजनिंग में उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारे पेपर में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है और अगर इन चीजों को आप वेल मेंटेन अगर फॉलो करते हैं तो जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपका स्पेशल इफेक्टिव क्वेश्चन होता है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं हाँ जी क्लियर है सभी को ऑडियो वीडियो देखिए तो इसी के बेस पर हमने इसको बनाया है तो पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं हम उसकी बात करें तो जो लोग अभी वर्ग दो का कोर्स परचेज करना चाहते थे माइंड फॉर अकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको वर्ग दो का पेड कोर्स अवेलेबल है जो नाइन ट्रिपल नाइन में आपको मिल जाएगा रीजनिंग और मैथ फाउंडेशन का टू डबल नाइन में कोर्स अवेलेबल है पूरी फाउंडेशन आपको मिल जाएगी और बैंक का टारगेट बैच जो स्टार्ट हुआ तो वन ट्रिपल नाइन में आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए तो आगे की ओर बढ़े हम लोग तो व्यापम का भी बैच अवेलेबल है तो सभी लोग कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग यहां से शुरू करते हैं और सबसे पहले इन क्वेश्चन को बनाइएगा बोला गया है आपसे क्वेश्चन में ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और पेपर में डायरेक्शन बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोला गया कि अरुण जो है स्टार्ट करता है बिंदु डी से और नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है और कुछ 12 किलोमीटर उसके बाद पहुंचता है जी पॉइंट पर उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और कवर करता है 8 किलोमीटर फिर वहां से बाई मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और पहुंचता है एफ पर और लास्ट में वो बाई मुड़कर दस मिनट चलता है और पहुंचता है वी पर तो सभी लोग पहले इसको बनाइए फिर हम लोग बात करते हैं ठीक है, है सबको हाँ जी हाँ ठीक है दस मिनट लेट, लेट जाएंगे ठीक है दस मिनट लेट आए दस मिनट लेट जाएंगे चलिए बिल्कुल चलिए आगे की ओर बढ़े दो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले बोला कि अरुण बिंदु डी से तो अरुण जो है बिंदु डी से उत्तर दिशा में चला और 12 किलोमीटर चला ठीक है उसके बाद बिंदु जी पर पहुंचता है फिर दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़कर आठ किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर छह किलोमीटर चलने के बाद एप पर पहुंचता है ठीक है अंत में बाएं मुड़कर वो दस मीटर चलता है तो दस मतलब ये आठ यहां हो गया तो दो इधर है और यहां पर कहां पहुंचा वी पर अब हमसे ये पूछा गया है जो पूछा गया उसका आप ध्यान से सुनिएगा अब यहां पर पहुंचने के बाद ये बोलता क्या अब एक एक चीज मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा तो बोला गया बताइए यदि बिंदु एल बिंदु वी के 18 किलोमीटर दक्षिण में हो बोला यदि बिंदु एल बिंदु वी के 18 किलोमीटर दक्षिण में हो तो देखो ये छह ये बारह कितने हो जाएंगे अठारह तो यहाँ एल आ जाएगा तो हमसे ये बोला गया है कि बताइए कि बिंदु डी से बिंदु एल के मध्य कितनी दूरी है बिंदु डी से बिंदु एल के मध्य के बीच की दूरी कितनी है मात्र यहां से देखा जाए तो दो किलोमीटर है दो किलोमीटर इसका हमारा सौ प्रतिशत करेक्ट आंसर अगला बोला गया बिंदु जी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें बिंदु जी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें बिंदु जी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी तो देखिए न्यूनतम दूरी अगर हम निकालें तो ये हमारा हाइपोटेनस है देखो यहां पर हाइपोटेनस और ये हमारा बेस है तो रूट अंडर में हमारा होगा छ का स्क्वायर जो आठ का स्क्वायर जब आप इसको लिखेगा तो ये होगा छत्तीस और ये होगा चौसठ हो जब आप लिखेंगे तो ये कितने होंगे हंड्रेड और जब आप बाहर निकालेगा तो कितना होगा दस तो दस किलोमीटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है और 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 सेशन को सभी लोग लाइक करो देखो क्लास तो आपकी रेगुलर लगी जिनका भी अपेक्स बैंक का पेपर हुआ है कल का एनालिसिस मैं आपको बता दू जिसमें तीन तीन सेट आपके किसके पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट के और फिर आपका आया था इनिक्वलिटी सिलोजिज्म आए थे लोगों ने वन एक सौ चालीस चालीस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और अपेक्स बैंक में अच्छे खासे नंबर लेके आए हैं ठीक है चले आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा फिर अपन बात करते मिस्टी जी दो के जी नियत दो किलोमीटर है के लगा दिया हमने मीना जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून रितु जी गुड आफ्टरनून अच्छे से पढ़ते जाइए सेशन में देखो हमने क्या बोला जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये डेली आपकी एक बजे क्लासेस लगती है और पर डे आप तो बस उठ के डायरेक्ट आ जाया करो बाकी हम सब देख लेंगे ठीक है चलिए हमसे बोला गया कि डी बड़ा है किससे के से तो हमें बोला एन बड़ा है के से तो एन से के तक जाने के लिए मुझे मीडिएटर कौन चाहिए भाई साहब एच चाहिए और अगर मुझे एन से अगर के पर जाना है तो मैं पहले एन से एच पर जाऊंगा और एच मुझे कहाँ पहुंचा देगा के पर पहुंचा देगा बड़ा किससे है एन से तो डी से मैं के पर गया और एन तक तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा चल अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर अपन बात करते हैं बोला गया एल बड़ा है जी से और एल बराबर है जी का बड़ा बड़ा आंसर बताते जाएगा सभी लोग क्या सही क्या गलत होगा इसका पहले आंसर बताइएगा सभी लोग बताइए हाँ जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून दो इसमें हमारे पास बोला एल बड़ा है जी से तो एल बड़ा है जी से तो ये हमारा कट जाएगा एल बड़ा है जी से ये हमारा बिल्कुल सही होगा बाकी हमारा क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा चल तो अगले क्वेश्चन की ओर बड़े निकालिएगा इसका क्या होगा आंसर दो बैंकिंग की पूरी मैं स्पेशल ये बैच है और मैं आपको अगर लगा रहा हूं इसको आप अच्छे से रीड करते जाइएगा जी आ गए आंसर चल अगला बोला कि आपसे डी बड़ा है एफ से तो डी बड़ा है एफ से जो कहीं नहीं दिख रहा और जे बड़ा है बराबर है डी का ये बड़ा या बराबर है डी से तो ये दिख रहा तो पहला गलत दूसरा सही अगला निकालिए क्या होगा हाँ जी बी सही है बोथ रॉन्ग नहीं है जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम बिल्कुल आप आ जाइए आई कम बिल्कुल आ जाइए बिक्की जी चल अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आने वाला है बताइए इसका आंसर क्या आएगा बोला गया कि के बड़ा है सी से तो के बड़ा है सी से तो यहां अगर चले जाओ तो के बड़ा तो बिल्कुल सी से नहीं है तो के बड़ा सी से बिल्कुल नहीं है और एस बड़ा या बराबर है किससे डी से तो एस बड़ा या बराबर है डी से तो बिल्कुल ठीक चले अगला बोला गया एन बड़ा है टी से बोला गया एन बड़ा है टी से तो एन बड़ा है टी से तो मीडिएटर यहां पर कौन होगा एच होगा देखो डायरेक्ट ब्रिज बनाओ एन कहा आ जाएगा एच के पास और एच कहा आ जाएगा यहाँ पर और ये किससे तो बड़ा, बड़ा है टी से तो एन बड़ा किससे हो गया टी से फिर बोला एम बड़ा है आई से तो एम बड़ा है आई से बिल्कुल नहीं हो सकता तो ये हमारा गलत हो जाए केवल हमारा ओनली फर्स्ट क्या होगा फॉलो होगा और सेकेंड हमारा गलत होगा चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया इसको रीड करिए और बताइए देखो आपके पास ये बोला गया दिए गए शब्द में अगर एक्सप्रेस में यदि सभी के उसके अगले वाले अक्षर से रिप्लेस कर दिया जाए अगले मतलब नेक्स्ट तो सीधी सी बात है जहां पर कॉन्सोनेंट है उसको नेक्स्ट वाले अगर यहाँ पर सी होगा तो मैं डी कर दू और सभी स्वर को उसके पिछले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो पिछले वाले जैसे ए होगा तो उसके पहले जेड हो जाएगा तो बोला गया ऐसी व्यवस्था में कितने नए वर्ड बनेंगे तो देखो हमारे पास वर्ड जो है वो क्या दिया गया एक्सप्रेस दिया गया और एक्सप्रेस शब्द में जहां पर बॉबेल है पहले तो जहां पर बॉबेल है पहले और जहां पर कॉन्सोनेंट है बाद में तो एस टी एस टी भाई सभी तो एक ही बार में दोहरा के आगे और यहां पर हो जाएगा डी और यहां पर भी हो जाएगा डी और यहां हो जाएगा ई e, और देखा जाए तो यहां भी क्या जाएगा डी उसके बाद आर के बाद एस हो जाएगा और पी के बाद क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा एक्स के बाद वाई हो जाएगा तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो दोहराए गए हैं तो एक बार डी डी को दोहराया गया तो दो ऐसे हैं जिनको दोहराया गया ठीक है तीन मत लगाना दो लगाना दोहराया मतलब कम से कम दो तो है ही ना तीन तो हो सकता है लेकिन दो तो ऑलरेडी टीटी है और एक डीडी है ये क्वेश्चन आपके अच्छे बोला सात पेंट है और सभी को ऑर्डर क्रम में रखा गया है ये मैं आपको बता देता हूँ कल मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था आप लोगों ने बनाया था कल होमवर्क वाले क्वेश्चन पहले ये बता जो मैंने होमवर्क वाले कल क्वेश्चन दिया था आप लोगों ने ये क्वेश्चन कल बनाया था क्या पहले ये बताइए होमवर्क जो क्वेश्चन दिया था क्या हम लोगों ने कल ये वाले क्वेश्चन बनाए थे क्या फिर हम लोग बात करते हैं चलो तो मैं ये कल आपको जाते जाते घर के लिए क्वेश्चन दिया था और अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है तो बिल्कुल आपको याद रखना ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा है हाँ जी, ये क्वेश्चन में महाभारत लिखा है तो भाई साहब महाभारत लिखा है तो महाभारत रचना भी तो है ठीक है चलो जिनको नहीं आया अब मैं इसको बताना शुरू करता हूं तो चलिए मैं आपको इसे बता देता हूं तो देखिये हो, हो सकता है कि मैं यहां रखकर इसको हिंदी क्वेश्चन पढ़ के मैं इसको बताते जा रहा तो मैं ब्लैंक पेज पर बता दू चलेगा देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या दिया गया राम कहानी पढ़ो बोला आठ लोग हैं चलो मैं इधर ही बता देता हूं देखो हमारे पास पेज की कमी है तो आप बस समझ जाना कि जो जो ये मैं हिंदी में दिया मैं उसी में पढ़ देता हूं हालांकि अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं तो इन्होंने बोला आठ व्यक्ति है जो अलग अलग भूतल पे संज्ञा पर जो बैठे हैं एक पर है और चार फ्लोर की एक बिल्डिंग है तो मैंने चार फ्लोर की एक बिल्डिंग बना दी जो थोड़ी सी व्यवस्थित आपको दिखेगी चार फ्लोर की बिल्डिंग है और बिल्डिंग को हमने चार फ्लोर में बांट दिया ठीक है चार फ्लोर की बिल्डिंग है और नंबर वन जो है टॉप मोस्ट है एज नंबर चार बोला गया ईच फ्लैट फ्लोर दो फ्लैट है इसमें दो फ्लैट है और इस फ्लैट का नाम है पी और क्यू तो फ्लैट पी और क्यू में लोग रहते हैं ध्यान से सुना कल या Apex Bank का क्वेश्चन था बोला गया कि फ्लैट पी जो है क्यू के वेस्ट में है तो फ्लैट पी क्यू के वेस्ट में है तो ये हमारा पश्चिम दिशा में है और बोला गया कि एक के ऊपर एक लिखा हो देखो ये सारी राम है इस पर मत जाना और इसी के बेस पर हमने पूरा लिख दिया ठीक है और एक के ऊपर एक फ्लोर आपको दिया गया तो ये कहानी यहां तक जो था ये पूरी राम कहानी थी जो हमने यहां पर सजा दी बोला कि दो फ्लोर का गैप है ए और किसके बीच में तो ए और सी के बीच में बोला दो फ्लोर का गैप है ए और c के बीच में तो दो फ्लोर का गैप है a और c के बीच में ये हमने दे दिया ठीक है और दोनों जो है अलग-अलग फ्लैट में रहते हैं तो दोनों अलग-अलग फ्लैट में रहते हैं a और c को हमने यहाँ रख दिया ठीक है बोला गया a लिव हु साउथ वेस्ट ऑफ d a लिव अबव b तो a जो है b के ऊपर वाले मंजिल पर रहता है और d के साउथ ईस्ट में तो अब अगर मैं बी को यहां रखू तो डी यहां आ जाएगा और ये हमारा साउथ वेस्ट कहलाता मतलब दक्षिण पश्चिम में रहता है ठीक है क्लियर है सबको चलो बड़े हाँ बिल्कुल क्वेश्चन बड़े हैं बोला ए और डी सेम फ्लोर पर नहीं है लो ये मना कर दिया कि ए और डी जब सेम फ्लोर पर नहीं है तो हमने अगर डी को यहां रखा तो बी को कहां आना पड़ेगा यहां और अगर मैंने डी को यहाँ रखा तो बी कहां आएगा यहाँ तो मैंने इसको यहां पर रख दिया बोला एच जो है इवन नंबर फ्लोर पर रहता है एच इवन नंबर फ्लोर पर रहता है तो एच यहाँ भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है ठीक है लेकिन बोला गया है कि इवन नंबर फ्लोर पर रहता अब बी अब अब बी के ऊपर वाले तो एच कहां आ जाएगा यहां पर आ जाएगा ठीक है अब देखो यहां पर बी आ सकता है ऐसा भी हो सकता है बोला गया एफ जो है वेस्ट है किसका डी का तो एफ फ्लोर जो है वेस्ट किसका है डी का वेस्ट में बोला एक फ्लोर का गैप है बिटवीन किसके एच एच और में। और ई ई में में के बीच एक फ्लोर का गैप है बोला ई फ्लोर जो है नॉर्थ ईस्ट है किसका जी का बस ये नॉर्थ ईस्ट किसका है जी का लो यहां हमारा बन के तैयार हो गया ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया ठीक है अब आप अगर गौर से देखो तो पूरे क्वेश्चन ही बन के तैयार हो गया ठीक आ गए समझ में तो ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया ए एच एफ डी बी जी सी ये पूरा बन के तैयार हो गया अब इसी में आप बेहोश हो रहे थे सर इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया ये हुआ वो हुआ इतने सिंपल तो क्वेश्चन है ऋतु जी ये क्वेश्चन समझ में सिंपल क्वेश्चन है इसने सीधा सीधा बात बोला कि ए और सी के बीच में दो लोग रहते हैं और ए और सी के बीच में दो लोग रहते हैं तो ए हमारा यहां हो गया और सी हमारा नीचे हो गया और ऊपर इसी के बेस पर लेके चलते हैं ठीक है क्वेश्चन देखो क्या बोला गया कि कौन सी चौथी मंजिल पर फ्लैट क्यू में रहता है कौन चौथी मंजिल पर फ्लैट क्यू में रहता है तो फ्लैट क्यू में, तो में चौथी मंजिल पर एच रहता है बोला कि कौन सी के पश्चिम में रहता तो में है तो सी के पश्चिम में कौन रहेगा तो सी के पश्चिम जी रहता है तो ये हमारा आंसर बोला कौन फ्लैट डी के डी फ्लैट के ठीक नीचे रहता फ्लैट डी के कौन ठीक नीचे रहता तो ई रहता तो ये हमारा आंसर बोला क्या पांच में से चार किसी ना किसी तरह एक समान और एक सबसे अलग है ई बी एफ जी तो देखते हैं ई बी एफ जी तो ई बी एफ जी और ए भी होगा मुझे लगता है लास्ट ई e, बी एफ जी और ए देखो ई बी एफ जी और ए ये सब इबीएफ जी बी एफ जी ए ये एक मंजिल पर रहता है और ई e सबसे अलग है ये दूसरे मंजिल मतलब पी क्यू फ्लैट मतलब ये सारे फ्लैट नंबर क्यू में रहता है और ये सॉरी पी में रहता है और ये क्यू में रहता है चलो क्लियर है तो ये क्वेश्चन हमने आपको यहां पर बता दिया डन चलो आगे की ओर बढ़े चलो अगले क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए तो मैंने इंपोर्ट कर दिया और इंपोर्ट करने के बाद एक बार और मैं फाइल जो अब नई हम बनाएंगे उसकी हम लोग बात करते चल अगला भी क्वेश्चन हमारा तैयार है बनाइए इसका मैंने पूरा सेट करा दिया और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो नए बैच जो स्टार्ट है व्यापक का ऑफलाइन ऑनलाइन बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन जो हमारी बैच स्टार्ट हुई है तो ऑफलाइन बैच हमारा भवर कुआ पर स्टार्ट हुआ है और टाइमिंग आपका आठ से दो है बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते और यहाँ चितावत पर भी स्टार्ट हुआ है वन ट्रिपल नाइन में हमारा क्लर्क आई बी का पूरा फाउंडेशन मिल जाएगा चले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है चल अगले क्वेश्चन का आंसर दो और बताओ चल अगले क्वेश्चन को निकालिएगा क्या होगा इसका आंसर और पेपर में यही क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा भाई साहब पढ़ना शुरू कर दो ठीक है कुछ लोग अभी भी मजे ले रहे हैं डन को लाइक like कर दे जितने भी लोग देख रहे बोला गया कि यदि यदि दी गई संख्या के प्रत्येक सम अंक से दो घटाया जाता है और प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाता है तो ऐसी कितनी अंक होगी जिसमें एक से अधिक संख्या होगी चलो तो मैंने यहां पर उठा के रखा थोड़ा सम संख्या में दो घटा दिया जाए तो ये जीरो होगा विषम में एक जोड़ोगे और इसमें दो जोड़ोगे और इसमें दो घटाओगे विषम में एक जोड़ो इसमें दो घटा तो एक से अधिक बार कौन आएगा तो यहाँ एक संख्या होगा ये हमारा आंसर क्लियर है सॉरी इसमें चार जोड़ना है तो यहां पर गलत हो जाएगा इसमें दो आए दो क्योंकि तो यहां पर तीन में एक जोड़ोगे ये विषम संख्या तो हमारे पास दो आए और चार है ये हमारा करेक्ट हो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है हम समझ गए चार जो है हमें दो बार आएगा और दो भी हमें दो बार आएगा बिक्की जी बिल्कुल करेक्ट सेशन को लाइक कर दो जितने भी लोग देख रहे हैं ठीक है चले इसका आंसर बताइए क्या हो सभी लोग इसका कोड निकाली हाँ जी हम हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ध्यान से सुनिएगा प्लान टू गो एग्जाम तो मैंने बोला जब भी कोई यहाँ पर क्वेश्चन रखा जाता है उसको आप डायरेक्ट एक बार उठा के यहाँ रख दो मैंने बोला कभी भी आप एक एक करके कोड मत निकालना क्योंकि अगर एक एक कोड कोड करके अगर एक एक करके निकालोगे तो ये कोड आपका आईसीू में भर्ती करा देगा तो जो भी चीजें दिया गया एक बार में इसको रीड करो और अच्छे से निकालो बोला प्लान टू गो एग्जाम अगर कोड किया जाए ओ जे के आर तो आप केवल ये देखो मैक्सिमम रिपीटेशन किसका हो रहा है तो मैक्सिमम जो रिपीटेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है एग्जाम का तो एग्जाम का रिपीटेशन होगा तो इनमें से कॉमन देखो क्या दिख रहा भाई साहब तो ओजे किसका हो गया एग्जाम का हो गया और यहां पर दिया गया गो टू प्लान तो प्लान जो हमारे पास है वो यहां पर है तो इन दोनों में जब हम प्लान को हमने लिख दिया है तो मुझे बताइए प्लान में मैं यहां पर क्या कॉमन दिख रहा पहले और आखिरी में और यहां पर एम एन जो है हमारा किसका हो जाएगा प्लान का तो एम एन हमारा प्लान का हो गया अब मेरे पास है टू गो अब मुझे बताओ टू गो का कोई कोड दिया क्या नहीं दिया तो हमने लिख दिया के आर और लिख दिया पी सी अब यहां पर टू गो खत्म हो गया तो टूडे इजी तो बताओ टूडे कहीं इजी है क्या अब टुडे कहीं इजी है क्या पहले ये बताओ तो टुडे में आपको टुडे कहीं टुडे दिख रहा है टुडे यहाँ दिख रहा है तो तीन जगह टुडे दिख रहा है तो सब जगह कॉमन टुडे का क्या हो जाएगा भाई साहब एस आई कॉमन हो जाएगा और इजी का भी कोड निकाल लो तो ईजी का कोड हमारा एल वाई हो जाएगा तो वहां नीचे हमारे पास क्या बच गया योर और योर का कोड एम हो गया और यहाँ पर नीचे क्या बच गया एम के मेक और मेक का कोड क्या हो जाएगा आर तो के हमने कोड निकाला और सभी कोड हमने आपको यहाँ पर निकाल के दे दिया हाँ जी जॉब अलर्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद तो जो चीजें आपको दिया गया बस उठा के रखते चले जाओ ना जैसे रखोगे खुद ब खुद आंसर आ जाएगा अब आपको केवल यहां पर कोड निकल गया है तो पेपर में कभी भी जंप मत करना गलती पेपर में क्या होता है कि लोग एक एक करके क्वेश्चन के थ्रू आंसर निकालते हैं जबकि आप एक बार में पूरा कोड निकाल दो और उसके अनुसार आप उसको रखते चले खुद आपको में हो जाएगा। अब अगला हमसे पूछा गया कि बताइए मेक का कोड में क्या लिखा जाएगा लैंग्वेज में तो मेक का अगर देखोगे तो मेक का एग्जाम कोड क्या आरके तो आरके जो है हमारा किसका है मेक का बोला एग्जाम का कोड क्या हो जाएगा भाई साहब तो एग्जाम को अगर देखा जाए तो एग्जाम का कोड हो जाएगा ओजे तो ओजे किसका हो जाएगा एग्जाम का उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा गो का कोड क्या होगा आर के होगा टुडे एग्जाम टुडे का कोड क्या होगा तो एग्जाम टुडे की अगर हम बात करें तो टुडे का एस आई और एग्जाम का ओजे ओजे जे एस आई ओजे एस आई जहां दिखेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा चलो अगला हमसे पूछा गया कि अगर MNLY का कोड इजी टू प्लान है तो बताइए गो का प्लान क्या होगा तो भाई साहब यहाँ को का प्लान हो जाएगा क्या जो ये क्वेश्चन दिया गया बस रखते चले जाओ और आंसर देते चले जाओ हाँ जी कल आपका पेपर सोसाइटी मैनेजर का है तो भाई साहब सेटिंग अरेंजमेंट कल जो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन सर्कल से आए थे सिटिंग अरेंजमेंट से और एक आपका फ्लोर का था मतलब क्वेश्चन का सेट बना था और कंप्यूटर भी आपके बेहतरीन आए थे तो इसलिए आपको अच्छे से रीड करके जाना है चलिए आगे की ओर बढ़े चलिए ग्रेजुअल ग्रेजुअल में आपको कितने पेयर बनेंगे तो मुझे लगता है ये आपने पेयर बनाया होगा एक बार पेयर निकालिए तो चलिए निकालिए इसका आंसर क्या होगा चलो अच्छा ये करवा चुके हैं चलो ये निकालो भाई साहब ये निकालो ये पजल है बहुत शानदार पजल है निकालिए ये पजल और यही क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं बिक्की जी अगला क्वेश्चन निकालिए एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है बाकी में मजे लीजिए निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सिटिंग अरेंजमेंट के पास इसको हम लोग बोलते हैं टू डी क्वेश्चन टू टू हो एक होता है टू डी तो मतलब यहां पर एज भी दिया हुआ है और यहां पर आपको सिटिंग भी दिया हुआ था तो सिटिंग और एज दोनों आपको साथ में दिया तो निकालो इसको आप कैसे निकालोगे फिर अपन बात करते पजल समझ में कम आ रहा राधे जी पजल इसलिए समझ में कम आ रहा क्योंकि इसके चमत्कार हमने किया ही नहीं है ट्राई करो मैं आपको बता देता हूं मिस्टी जी पटवारी में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे लेकिन कभी भी आके हमारे मजे ले सकते हैं तो पहले से सचेत रहें। आंधी तूफान और आतंकवादी और एग्जाम में और इसी के बेस पर आपको अच्छे से लेके चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दो क्या आएगा पेपर का एनालिसिस के नाम पर पता चला कुछ और ही लोग पढ़ा देते हैं ठीक है ऋतु जी जितना आप पढ़ रहे वो मैं आपको परफेक्ट पढ़ाऊंगा पता चला एनालिसिस के नाम में बगल वाला कुछ भी पढ़ा के निकल रहा तो बिल्कुल ऐसे चीजों पर भरोसा ना करें हम लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देंगे ये याद रखिएगा माइंड फोर अकेडमी जो पढ़ा रही है आपको ये आगे चल के आपका यही पेपर का पैटर्न बनना है याद रखिएगा ठीक है चले अच्छी बात ठीक है चलो तो सबसे पहले बोला गया सात लोग हैं जो एक पंक्ति में उत्तर दिशा में बैठे हुए और सभी की उम्र अलग अलग दी गई है बोला डी पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बोला डी पंक्ति के अभियान से सुनिएगा भाई साहब अब डी के पंक्ति के अंतिम छोर से ये कितने नंबर पर है तीसरे स्थान पर है तो भाई साहब डी का अंतिम छोर दो बन सकता है ना तो एक ये भी बन सकता है तो बाकी सबको इधर बिठा डालो ठीक है और बाकी सबको यहां पर इधर बिठा डालो तो चार तीन सात हमारा हो गया बोला क्यू डी के दाए दूसरा बैठा क्यू डी के दाए दूसरा बैठा हुआ तो क्यू डी के दाए दूसरा बैठा हुआ है अगला हमसे बोला गया है नेक्स्ट कंडीशन में क्यू के बाई और बैठे व्यक्ति की संख्या क्यू के बाई और बैठे व्यक्ति की संख्या जी के दाई और बैठे व्यक्ति संख्याओं की संख्या समान है तो क्यों के अगर आप गौर से देखिए तो क्यू के बाई और बाई ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या देखो तो बाई ओर अगर देखा जाए तो एक दो तीन चार लोग बैठे तो चार लोग अगर इधर बिठाओगे तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया ये हमारा सही हो गया ठीक है और जिसकी आयु 20 वर्ष है जिसकी मतलब जी के बाएं और बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है जिसकी आयु 20 वर्ष है तो हमने जी को 20 वर्ष दे दिया बोला गया पी उस व्यक्ति के बाएं चौथा बैठा है जिसकी आयु 35 साल है अब चौथा अगर बैठा है तो एक दो एक दो तीन चार यहां भी बैठ सकता है और एक दो तीन चार यहां भी बैठ सकता है तो देखो पी के पास दो कंडीशन है अगर मैं 35 साल कर दू तो पी कहां आ जाएगा यहां पर आ जाएगा और क्यू को मैं 35 कर दू तो भी चल गया तो क्यू 35 साल, तो साल का नहीं है तो पी यहां आ गया बोला डी के निकटतम पड़ोसी का आयु कितना है पचहत्तर साल है बोला डी के निकटतम पड़ोसी एक तो हो चुका है कि यहां पर है ये पचहत्तर साल का है जो तीस साल का है यहां पर कुछ चीजें हमें कमी लग रही है हिंदी में बोला जो तीस साल का है पी अपने निकटतम पड़ोसी से बीस वर्ष ज्यादा है बोला गया कि आ, मतलब बीस वर्ष ज्यादा है तो बीस बोला कि पी अपने पड़ोसी के निकटतम से बीस साल ज्यादा है तो पड़ोसी निकटतम बीस साल यहां पर हो जाएगा तो ये चालीस हो जाएगा यू और एल के दाएं बैठा है जो 25 साल के व्यक्ति के देखो यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी लैंग्वेज में भाषा की कमी आ रही है बोला गया यहाँ पर यू एल के दाई और बैठा है तो के दाई बैठा है और बोला गया कि जो व्यक्ति पच्चीस साल का बैठा है जो व्यक्ति पच्चीस वर्ष व्यक्ति के बाय बैठा है और बोला क्यू और पी के बीच में पांच साल छोटा है देखो थोड़ा सा मैं आपको अंग्रेजी में बना देता हूं क्योंकि तो हिंदी में एक लैंग्वेज ले, ले, का एक लाइन का मिसिंग है इसीलिए हमने इसको लेकर आया ठीक है चलो अब अगले क्वेश्चन सेशन को लाइक like कर दो मैं यहां पर बनाते जा रहा हूं ध्यान से सुनना मैं अंग्रेजी में इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूं क्योंकि वहां पर डेटा कम है और कम होने की वजह से गड़बड़ हुआ है तो मैं आपको यहां पर बता दूं डी कामेशन कहां से हुआ इधर से हुआ है तो डी जब यहां पर बैठा तो बाकी लोग किधर आ गए इधर आ गए तो सात लोगों को हमने बिठा दिया ठीक है बोला गया कि एक्सट्रीम एंड पर डी सीट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड यह हमने बैठा दिया और क्यू और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं तो एक्सट्रीम एंड पर जब हमने तीसरा बिठा दिया तो क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी तो क्यू को हमने यहां बैठा दिया मान लो दो मिनट तो क्यू को हम इधर भी बैठा सकते हैं उसके बाद यहां पर जितने लोग जी के दाए हैं उतने क्यू के बाए बोला जिस व्यक्ति का द नंबर ऑफ पर्सन सीड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू देखो ये भी हो गया और हु इज ट्वेंटी ईयर तो हु मतलब बी यहाँ पर बीस साल का बोला पी जो है फोर टू द लेफ्ट है उस व्यक्ति के जो पैंतीस साल का है तो पैंतीस साल के उम्र के व्यक्ति के बाएं से चौथा कौन बैठा है पी बैठा बोला क्यों पैंतीस साल का नहीं है बोला टोटल एज इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज सेवेंटी फाइव तो टोटल एज जो नेबर का है पड़ोसी का है वो पचहत्तर साल है अगर ये पैंतीस साल हो गया तो पचहत्तर साल कब होगा जब मैं यहाँ पर चालीस साल रखूंगा तभी तो ये पचहत्तर साल होगा देखो तो क्या बोला कि जो टोटल एज है किसका डी के पड़ोसी का वो पचहत्तर साल अगर एक पैतीस साल का हुआ तो एक पड़ोसी चालीस साल का होगा जो वहां पर मिसिंग था उसके बाद जे तीस साल का है तो जे नाम का व्यक्ति कितने साल का है तीस साल का अब जे को मैं यहाँ रख नहीं सकता यहाँ रख नहीं सकता तो जे कितने साल का है तीस साल का अगला बोला कि पी बीस साल ज्यादा है अपने इमीडिएट नेबर से अब हम अपने इमीडिएट नेबर से बीस साल ज्यादा है तो यहाँ बीस लिखूंगा तो चालीस हो जाएगा यहाँ यहाँ रखूंगा तो यहाँ मतलब पचास रखूंगा तब ये बीस साल ज्यादा होगा देखो एक तो बीस साल बोला तो चालीस में रख नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये चालीस है तो मैंने पचास रखा एक पड़ोसी से ये कितना हो गया बीस साल ज्यादा हो गया तो पड़ोसी का मतलब दोनों का मतलब नहीं तक दोनों में से कोई एक भी होगा हमारा चलेगा ठीक है और इसी के बेस पर हमने इसको बैठाया है अब अगला बोला गया आपसे ध्यान से सुनना यू सीट राइट टू द एल हु इज इमीडिएट द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड जो पच्चीस साल का है उसके लेफ्ट में बैठा हुआ था देखो सबसे बड़ी बात है बोला कि यू जो है एल के दाएं तरफ बैठा हुआ दो ही जगह खाली है यू एल के दाएं तरफ बैठा हुआ है और दो ही जगह खाली है और बोला गया कि जो एल की बात हो रही है जो लेफ्ट बैठा है जो 25 साल का तो हमने 25 साल के लेफ्ट में बैठा दिया अब बोला गया क्यू जो है पांच साल छोटा है पी से तो क्यू पांच साल छोटा है अगर पी से तो ये कितना हो जाएगा पैतालीस तो ये हमारी हो गई पूरी क्वेश्चन और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो ये मान के चलो इसी को बोलते हैं हम टू डी तो हमने टू डी में क्वेश्चन को बनाया है तो हल्के पतले में क्वेश्चन मत लेना बहुत कम लोग होंगे जो यूट्यूब पर आपको ऐसे मजे लेके बताएंगे क्वेश्चन कौ। क्लियर है चलो क्लियर है सबको मैंने क्या बोला हर चीज आपको अच्छे से लेके चलना है और इसी के बेस पर बनाते जाओ तो मैंने जो क्वेश्चन करा है वो पूरी मस्त एकदम हाई लेवल की क्वेश्चन है बस करते जाइए मेहनत बनाते जाइए चलो क्लियर है सबको हाँ जी भक्ति जी बिल्कुल सही है जी का बीस साल है पी का पचास साल है जे का तीस साल है एल का चालीस साल है और डी का 25 साल है यू का 35 है और आपके पास क्यू का 45 साल है तो सारे एज हमने यहां पर दे दिया है ठीक है क्लियर आपस में बातचीत हम लोग इतना करते हैं कि भाई साहब प्राई पे कॉन्सेंट्रेट करते नहीं अपन तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लो अगर मेहनत कर रहे हो तो हम मजे ले रहे हैं एक दूसरे का चलो आगे की ओर बढ़े हम अगला जो क्वेश्चन बोला गया है भाई साहब एल और क्यू के बीच में व्यक्तियों की संख्या जितनी है उतनी ही पी और किसके बीच में होगा तो एल और क्यू के बीच में अगर व्यक्तियों की संख्या देखा जाए तो दो है उतने ही और किसके बीच में होगा डी के बीच में होगा तो उतने पी और डी के बीच में होगा अब के संदर्भ में जे का स्थान क्या है तो क्यों के संदर्भ में अगर मैं जे के स्थान को देखूं तो क्यों के संदर्भ में जे का अगर स्थान को देखो तो देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ टू है. तो आपको बाएं से चौथा जो है ये हमारा करेक्ट होगा क्लियर है सबको हाँ जी बिल्कुल मैंने बोला बातों पर थोड़ा कम ध्यान दो और बातचीत करना ही नहीं चाहिए आपको मैंने बोला बातचीत अगर करी लोगे तो फिर इतना मेहनत करके आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एक बार बन जाओ कुछ अच्छे से तो अच्छे से बन जाओगे तो धुएं उड़ा लेना फिर ने पांच में से चार पी जे यू जी पी जे यू जी एल तो देखते हैं भाई साहब पीजे यू जी एल का क्या है पी जे पी जे यू जी एल भाई साहब एल अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी सब पंक्ति के बीच में बैठे हैं और एल पंक्ति के छोड़ पर बैठा है तो ये हमारा आंसर चालीस साल का कौन व्यक्ति है भाई साहब पी नाम का व्यक्ति जो है पचास साल का चालीस साल का कौन है तो एल जो है चालीस साल का है तो एल नाम का व्यक्ति भाई साहब चालीस साल का है तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना मैंने क्या बोला मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा लो ये एक और शानदार क्वेश्चन है निकालिए इसको और ये क्वेश्चन अगर बना लिए तो मजे आ जाएंगे आपके हाँ बिल्कुल रितु जी ये सही बात है बात भी करनी चाहिए ताकि ये माहौल बना रहे कि हम लोग हैं बिल्कुल सही है हाँ जी कोई बात नहीं थोड़ी सी माहौल बनी रहती बातचीत करने से और उस पड़ोस को अब चेहरे से देखते तो नहीं है तो भाई साहब हम कमेंट करके ही पता चल जाता अच्छा ये ऐसी होगी अच्छा ये ऐसा होगा ये ऐसा लिख रहा है तो इसका करेक्टर ऐसा होगा एक्चुअल में क्या है ना आप जब मैसेज लिखते हो तो उससे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है अच्छा ये ऐसा होगा तो हम क्या करते हैं ऐसी तो कोई फीलिंग आ नहीं रही है ना हमें कुछ दिख रहा है तो हम उसके बेस पर सोचते रहते हैं ठीक है तो हमारा कमेंट ही हमारे लिए सब कुछ अभी आप सोचो आपकी कमेंट ही आपकी विजिबिलिटी को शो कर रहा है ठीक है चलो क्लियर है हाँ हम समझ गए समझ गए बिल्कुल हम समझ गए जो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल हम समझ गए ठीक है और मुझे पता है कि आपकी छवि मना आपके कमेंट से दिखती है तो इसीलिए अच्छी बात है कि आप लोग ये सारी चीजों को सोचते हो बहुत अच्छी बात है ठीक है जी व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और सोमवार जन्म सोमवार रविवार सप्ताह में हुआ है लेकिन जरूरी एक ही क्रम में देखो तो इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आए एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा था हाँ रितु जी एकदम आपने दिल की बात एकदम बता रहे हैं अच्छी बात है ये चीजें आपने अच्छे बोले हम तो क्वेश्चन लगा के भी हम बात कर सकते हैं ठीक है सेशन को लाइक कर दो जितने भी लोग देख रहे हैं चलो ये क्वेश्चन आ एक ही क्वेश्चन है और इसको बना तो ले एक ही तो क्वेश्चन है अच्छे से बनाओ मस्त अभी तो ये दस डब्बे वाले भी आपको बनाने हैं पजल तो हम इतने देंगे कि आप तो मजे ला दोगे इतने पजल में आपको दे दूंगा तो आप बस रोज तो बनाइए बाकी तो हम सारे पजल पे रिसर्च करा देंगे भोपाल में पेपर है सोसाइटी मैनेजर का और अच्छे से दीजिए हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट है अच्छे से पेपर दीजिए और सेटिंग अरेंजमेंट अच्छे से पढ़ के जाइएगा सेटिंग अरेंजमेंट के कम से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो पंद्रह क्वेश्चन आपका सेटिंग का होगा और पांच क्वेश्चन आपका फ्लोर वाले आ रहे हैं इन भी आप दबा के पढ़ के जाइएगा ये सारी चीजें आ रहे हैं ठीक है चलो क्लियर है सबको चलिए तो आप अच्छे से इसको नोट करिए फिर अपन बात करते हैं इसको भी कल बना के लाइएगा इसको बना के लाना है और एक आपको इसको बना के लाना दो क्वेश्चन आपको बना के लाना ठीक है तो आज का सेशन कैसा रहा बिल्कुल बताएगा सभी लोग अच्छे से रीड करते जाना ठीक है तो सेशन को सब लोग लाइक करते जाएगा जितने भी लोग देख रहे हैं तो आज हम इतना ही रहने देते हैं अगर हमें कोर्स अगर आपको डीप में अगर पढ़ना है और बाकी में चाहिए कि सर इस बार सिलेक्शन की बारी है तो बैंक की तैयारी अगर कर रहे हैं या किसी भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का पूरा फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं उसके बाद हमारे जो है अभी आपके पास बैंकिंग फाउंडेशन भी स्टार्ट हुआ जिनका भी जुलाई अगस्त में पेपर है ये मान के चलो ये रामबाण है उनके लिए तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं उसके बाद आपके बाद जो व्यापम है ये भी आपका चौदह सौ निन्यानवे का बैच है इसको भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल अगर कोर्स आपको लेना है तो सात सौ निन्यानवे में आपको मिल जाएगा केवल एमपीएसआई का और पांच सौ निन्यानवे में कॉन्स्टेबल मिल जाएगा ठीक है चलिए तो आज का हम सेशन यही रहने देते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जय हिंद जय जै भारत धन्यवाद सेशन को लाइक करते जाएगा जितने भी लोग देख रहे हैं।